हर इंसान की जिंदगी में चेंजेस आते रहते हैं और कभी कभी वो चेंजेस जरूरत बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो नहीं बंदा करना चाह रहा होता। इसी तरह मेरे साथ ये हुआ इस बार कि मेरे अब्बू फाइनल एग्जिट पे सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहे थे। इस चीज़ से मैं बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए। मेरा इस घर में आने का रीज़न था वो ये था क्योंकि अब्बू पाकिस्तान जाने वाले हैं और अब्बू जो हैं आज के दिन पाकिस्तान जा रहे हैं, मतलब मेरी ज़िंदगी अपसेट डाउन होने वाली है, बहुत कुछ ज़िंदगी में बदलने वाला है। Let's go. क्या कर रहा है? Hey. चप्पल पहन रहे हैं लेकिन क्या है भाई? तीन है। ठीक है ना? लोग पीछे की सीट पे बैठते हैं, आप लोगों ने पीछे की सीट पे बाबा का सामान बैठा दिया। कल हमने क्या बस आना आना दूसरा आएगा ये वाला आएगा। वीडियो बना रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। चलो ओह तमो भाई क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, देखो कितना मेहनती है। ओहो वल्ला बहुत मेहनती है अल्लाह। बाबा अपना सामान देखते हुए कि खराब ना हो मेरा सामान। खराब शराब की परवाह नहीं मुझे। अब इसी क्या खराब हो गया? अब क्या खराब हो गया? जो होना तो होगा। जो खराब होना तो हो गया। पाकिस्तान से एयरपोर्ट अगला शॉट किधर होगा? एयरपोर्ट किंग अब्दुल्लाजीज। ये चीज ये बंदा सही है। और हो गया दिखाओ। ओए रु बाबा जा रहे हैं ना? ठीक है, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूं। आई ना है बाबा, अभी अभी बाद में जाके ना आंसू निकलेंगे, थोड़ा टेंशन नहीं लेना। और नहीं नहीं हम नहीं होते इमोशनल, हम पत्थर दिल लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे पक्का परमानेंट रहने वाला हूँ। 20 साल गुजार दिए ना यार, कोई थोड़े नहीं गुजार दिए। 20 साल का अरसा मैंने यहाँ पे गुजार दिया। अभी मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं जाऊंगा। जैसे होते ना जो दिन गिनते हैं, टाइम गिनते हैं, घंटे गिनते, मेरा मुझे वो नहीं है, मेरे दिमाग में ही नहीं है वो। मुझे अफसोस आ रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ यार, सब तुम लोगों को सबको छोड़कर, बस मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है। नहीं नहीं इंशाल्लाह, बस आप इधर भी हैं अंकल। रात को भी मुझे बड़ा दुख हो रहा था, वो सारी बोल रही थी, बैठे हुए थे घर वाले सारे, ये अंकल ये वो, तो मुझे बस उसका वो ध्यान में आ रहा था। उस वक्त मुझे बहुत वो दुख हो रहा था कि यार मेरा भी ये टाइम आना था, मैंने भी जाना था, अभी जा रहा हूँ ये कह रहा। तो क्या हुआ बाबा? खैर अल्लाह खैर करेगा। उधर भी आपकी बीवी बैठी है, उधर आपके बच्चे बैठे हैं, दो बेटी है उधर आपकी। बिल्कुल जाना, क्यों नहीं, लाजमी जाना है। 3 साल हो गए आपको अंकल वहाँ पे गए बच्चों को? 3 साल 20 दिन हो गए। अभी तो बाबा पहचानेंगे नहीं वो, जो उनकी हालतें हुई है बच्चों की। अच्छा, वो बाप से बाबा से लंबा है अब्दुल्ला, मेरे जितना है। अम्मी बुढ़ी हो गई है भाई। अच्छा, बाबा को पता नहीं था कि मैं उनको पीछे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो अपनी दिल की बातें बता रहे थे। मतलब उनको टोटल 37 to 38 ईयर सऊदी अरब में हो गए और वो लास्ट 20 ईयर से उन्होंने पाकिस्तान विजिट नहीं किया। तो वो ये कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था मतलब कि ये टाइम भी आएगा, पर ये टाइम आ गया। ये बाबा का सामान। हाँ जी ये मुड़ नहीं रहा, ये मुड़ नहीं रहा। जिंदगी के 37 साल गुजारने के बाद अब वापसी। पक्का 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 है। पक्का है। गए नहीं, गए नहीं। एग्जिट कोई रास्ता नहीं है। तो अभी बाबा का सामान ये है और बाबा ने चेक इन करने जाना है उस साइड पे, और बाबा खड़े हैं इधर और अभी हम वास्ता लड़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा सामान हमारा निकाला जाए। दुनिया वास्ते पे चलती है, इसलिए हम वास्ता लड़ा रहे हैं। बाबा ज़्यादा सामान क्यों लेके जा रहे हैं? वास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं आपके लिए। तो पाकिस्तानी ही नहीं है जो ज़्यादा सामान ना लेके जाए, मैं खुद लेके जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके ओके, पहले से जाना इंशाल्लाह, मैं आगे मिलूंगा आपसे। ओके ठीक है, हंसते हंसते जाना, रोना नहीं। मैं रोता नहीं हूँ। खुदा हाफिज़। देखो ये
यहाँ से अगर उसने नहीं दिया तो ये हाँ इधर ही खड़े हैं। अभी बाबा को पीछे इंटरनेशनल डिपार्चर में हमने भेज दिया और 20 साल के बाद बाबा पाकिस्तान वापस, यानी अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब तक वीडियो आएगी तब तक बाबा पाकिस्तान में होंगे और इस टाइम पे हम हो गए हैं अकेले। ओहो हाँ? अकेले अकेले तन्हा तन्हा कोई नहीं। हाँ अब क्या कहते हैं ये वाला जो आता है ना, क्या कहते हैं, नया सीन, नहीं नहीं लाइफ का जो ये नया आता है स्टेप आता है, अब ये ट्राई करना है हमने। बिल्कुल वो भी देखा पहले अम्मी बाबा, पहले फैमिली की पूरी, बाबा और मैं रह गए, फिर बाबा चले गए, फिर मैं रह गया, फिर भी नहीं रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पार्किंग 36 दिरहम, सऊदी एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट पार्किंग फ्री, फ्री टू फ्री, बिल्कुल फ्री। अगर हमने फ्री में गाड़ी पार्क कर रखी थी और वहाँ से भी निकाली और निकल गए। ओके अभी हम स्टिल एयरपोर्ट की ही हदूद में भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि अभी बाबा ने चेक इन कर लिया। लेकिन मसला ये हुआ कि बाबा को जब फ़ोन किया तो वो जो अपना फ़ोन है ना सिक्योरिटी वाली साइड पे जहाँ पे चेक करते हैं उधर अपना फ़ोन वो भूल के चले गए। और जब हमने फ़ोन उठाया तो वो जो पुलिस वाला कहता है यार ये किसका फ़ोन है, मैं कह मेरा बुक है, हमने बात की तो अभी वो बाबा को ढूंढेंगे, फ़ोन बाबा को देंगे, अगर वो बाबा उनको नहीं मिले तो फिर फ़ोन यहीं रह जाएगा, मतलब और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, वरना हम नया फ़ोन बाबा को वहाँ से ले देंगे। सही बात, और बाबा का बहुत कीमती फ़ोन था, फ़ोन छोटा वाला था लेकिन बहुत कीमती फोन, इतने सालों से मैं उसको देख रहा हूं यार, 15 साल हो गए उसका तकरीबन। और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है कि जब आप किसी के साथ कोई घर शेयर कर रहे हो, आप वहां पे किसी के साथ रह रहे हो और वो जब आपके अपने अब्बू हो और वो जा चुके हों उस जगह से, तो जब आप वापस उस जगह पे जाओगे तो कितना मतलब अजीब लगेगा, बुरा लगेगा। मुझे आदत है, मैं घर आता था, काम से आता था, कहीं से भी आता था ना, तो मेरे सामने एकदम अबू बैठे हुए होते थे, जो कि एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए जिससे अब हम महरूम हो चुके हैं। जब ये चीज़ रिपीट होती है ना कि आप वापस घर आओ और वो चीज़ें ना हो जिसके आप आदि हो, तो यार। अच्छा तो अभी मत, अभी भी बिल्कुल घर के अंदर आया हूँ, बाबा को उतार दिए। बड़ा अजीब लगता है यार, क्योंकि ना जब ना घर में आओ तो सामने बाबा मिलते थे, अब अकेला हो गया, कहीं नहीं। बहुत बहादुर और सारी बातें अपनी जगह पे, मुझे ये बताइए कि ये लाइटिंग कैसी लगी, ये पापा ने जाने से पहले ना मेरा सारा काम करा। लाइफ में ना जब भी नई चीजें आती हैं तो होती है थोड़ी मुश्किल, लेकिन क्या है आगे पढ़ते रहते ना, चलेंगे। और हाँ मैं उस टाइम पे काफी रो रहा था ऑन कैमरा, तो मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की कि मैं होल्ड कर लूँ, संभाल लूँ, लेकिन बात ये ना कि मैं थोड़ा फैमिली और रिलेशंस को लेकर ना बहुत ही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप बंदा हूँ मैं, दिखता काफ़ी सख्त हूँ पर इतना हूँ नहीं, पर हूँ ठीक है ना, इसीलिए सख्ती हम सामने रखते हैं, क्योंकि अगर ये सख्ती के पीछे की नरमी किसी ने देख ली ना फिर तो रोला आ जाएगा। इसी वजह से ना बुक के कवर पे सख्ती रहती है, अंदर से जो भी लिखा हो किसी को क्या फर्क पड़ता है। कल इस टाइम पे मैं और बाबा खाना खा रहे थे तो मैं उनको बता रहा था, बाबा आज अभी हम रात का खाना साथ खा रहे हैं और कल का खाना जो है ना हम लोग साथ नहीं खाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में खाएंगे और मैं फिर अकेला खाऊंगा। बाबा का पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी डिनर, कल का रात का खाना आपका पाकिस्तान में होगा है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा कोई इरादा नहीं है व्लॉग करने का, बस मैंने कहा लगे हाथों जो कर रहे हैं करते जाते हैं। आगा पेट भर गया, बाकी का हमने पार्सल कर लिया क्योंकि खाना ज़ाया करना बुरी बात है, हमेशा पार्सल करो साथ लेगा। अच्छा मज़े की बात मैं आगे बता रहा हूँ, निया बना के गए थे मेरे लिए, तो मेरे पास ना दो तीन दिन का अच्छा खासा स्टॉक बना के गए थे, मतलब उनको बता दूँ कि भिंडियाँ अच्छी लगती हैं। तो सारी बातें अपनी जगह पे, मेरा दुख मेरा गम अपनी जगह पे, मैं बहुत नाराज था। लेकिन जब मेरे बाबा पाकिस्तान पहुंचे और मैंने वहां पे देखा कि मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मामू, मेरे सब खानदान वाले इतना खुश थे बाबा को देख के, तो मतलब एक बंदे के थोड़ा नाराज होने के बदले में अगर इतने सारे लोगों को खुशी मिल रही है तो सौदा बुरा नहीं है। तो मैंने जैसे सबको इतना खुश देखा, मेरे दिल को भी तसल्ली मिल गई कि यार सही हो रहा है जो हो रहा है।
और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया, बाबा खैरियत से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बहुत खुश हूं उनके लिए। दुआ करना मेरे बाबा के लिए और मेरे लिए कि हम अकेले जी लें और बाबा फैमिली के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, बार बार बोलना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं बहुत सारा ख्याल रखना हूँ। सामा सैनिंग आउट।